अगर अभी तक आप प्रधानमंत्री जी आप चुप रहे हैं तो हमारे लिए जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है एक बहुत गलत या फिर बहुत मिसलीडिंग सा मैसेज मिल रहा है हम लोगों को। तो प्लीज़ हमारी बस यही विश है, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग आपको माफ़ करें तो प्लीज़ हमारी डिमांड सुनिए, प्लीज़ हमारी डिमांड्स को फुलफिल करिए। हम पिछले 3 महीने से हम बोले जा रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के, यहाँ पे भी प्रदर्शन करने 2-3 बार आ चुके थे हम, सोशल मीडिया में भी फैल गया है पूरी बात, मीडिया भी अब देश भी अब जाग गया है मणिपुर के जो हादसा और जो गंभीरता से जो हमारे ये कुकीज़ो समुदाय, जो हम आदिवासी समुदाय है मणिपुर की, हमारे साथ जो इतना अत्याचार हो रहा है अब फाइनली अब देश को पता चल रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी ने 2-3 शब्द बोली थी, हमने देखी मीडिया में। हम एक तो मैं सवाल करना चाहती हूँ कि इतना देर क्यों लगा, 3 महीने होने वाले हैं, इतना देर क्यों लगा उनको एक शब्द बोलने में, एक ट्वीट लिखने में, वो विदेश में थे, अब क्यों बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी जो हुआ सो हुआ, अब बस हम चाहते हैं कि सरकार, केंद्र सरकार, यानी हमारी जो मांग है अभी, जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे जो हमारी मांग है अभी, हम प्रार्थना करते हैं कि वो सुने, हमारी दर्द को समझे, हमारे भावनाओं को समझे और हमारी मांगों को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक हमें एक अरेंजमेंट चाहिए ताकि हमें एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मिले, वो हमें चाहिए और वो है हमारी मांग। जो मणिपुर में जो ये भी जो वायलेंस चल रही है 3 महीने से, अगर कोई हमारा जो सरकार, हमारा जो ये हमारे जो लीडर्स है, अगर एक शब्द बोलते हैं कि बंद कर दो वायलेंस को, बंद कर दो ये लूटपाट, जो पुलिस ने जो हमारे साथ ऐसा अत्याचार किया है हमारे साथ, तो मणिपुर का जो अभी सरकार है, वीरेंद्र सिंह गवर्नमेंट और जो मणिपुर पुलिस है, वो बिल्कुल हमारे खिलाफ, अगर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी है नरेंद्र मोदी या फिर कोई होम मिनिस्ट्री से अमित शाह जी अगर थोड़ा सख्त एक्शन लेते, अगर कोई सख्त एक्शन लेते तो बंद हो जाती मणिपुर का जो ये हादसा, लेकिन फिलहाल वो तो नहीं हुआ। लेकिन अब हमारी जो उम्मीद है कि शायद अब वो शायद हमारी मांगों को सुने और शायद मणिपुर हमारे जो ये आदिवासी जो कम्युनिटी है उनको हमें न्याय दे, ये है हमारी। ऐसे जो वीडियो वायरल हुआ था, जो ऐसे हमारे औरतों के साथ हुआ, बेहद ही मतलब मेरे पूरे मतलब एज अ वुमेन माई सेल्फ मैं देख ही नहीं पाई वीडियो को, मतलब ऐसा हो रहा है और ये 4 मई की बात है, तो फिर बेहद ही शर्मिंदगी की बात है। और लेकिन हम चाहते हैं कि एटलीस्ट अब तो शायद, अब जो प्रेशर है मीडिया से, प्रेशर है हमसे, प्रेशर अब शायद वो कुछ करे।